कानून व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया है। कैमूर के भभुआ सर्किट हाउस पहुंचे सांसद गोपाल नारायण सिंह ने नीतीश सरकार की शराबबंदी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी बिहार में धरातल पर नहीं दिखती, बल्कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शराबबंदी होने से रोजगार खत्म हो गया, बिहार में रेवेन्यू की कमी हो गई और इसके चलते लोग बेरोजगार हो गए और युवा दर दर भटकने लगे। देश में एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी प्रदेश में बढ़ाने के लिए हमको रेवेन्यू चाहिए। आमदनी होगा तो हम लड़कों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। हमारे पास शिक्षा के जगत में, अन्य क्षेत्रों में, पुलिस के विभाग में लाखों सीटें खाली हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है जिसके चलते एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो सरकार की सोच होनी चाहिए कि देश समाज को बैलेंस लेके चलने के लिए कहीं चोट दो तो कहीं सहयोग करो। अब बात बीजेपी की हुंकार रैली को लेकर। जी हां, मुरहाबाद